कि दो चेंजेस के बीच में जो एक स्टेट होती है उसकी हमको एबीसीडी भी नहीं पता है। दो आवाजों के बीच में जो होता है उससे आप बहुत बुरी तरह से डरते हो। ये लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। तो इफ यू आर ओके विद इन दोनों के बीच में जो होता है, मैंने चार चीजें बोली, इसके बाहर लाइफ है नहीं। अगर आप ध्यान से समझोगे ना, एक है सेंसेशन जो हमारे को हमारे पांच सेंसेस के थ्रू होती है, कुछ दिखा, कुछ स्मेल हुआ, कुछ टेस्ट किया, कुछ टच किया, कुछ सुना, ये क्या है? सेंसेशन। दूसरा है थॉट। थॉट क्या होता है? जो हम उसके बारे में बोलते हैं अपने अंदर ही अंदर, उस बोलने की वजह से अंदर एक फीलिंग ट्रिगर हुई। अगर कुछ ना बोलो तो फीलिंग कैसे ट्रिगर होगी? फीलिंग्स होती है ना, अच्छी बुरी। जैसे एक बच्चा है, उसको आप चाहे टट्टी दिखाओ चाहे गंदा हो, फ्लो फ्लो में निकल जाता है। एनी हाउ, उसको चाहे पॉटी दिखाओ चाहे मतलब इसमें इतना मजा आ गया, मैं सेशन का नाम यही रख दूं। हाँ, लाइव बन जाएगी आप लोगों की तो। तो एक बच्चे को चाहे आप ऐसा कुछ दिखाओ, बार बार नहीं बोलूंगा, चाहे ऐसा कुछ दिखाओ, चाहे आप अपनी शक्ल दिखाओ, मिलती जुलती है, बुरा तो नहीं लग रहा ना, सच कड़वा होता है। हाँ। तो बच्चे के लिए क्या फर्क है, उसके अंदर क्या फीलिंग ट्रिगर होगी? कोई फीलिंग होगी, कोई इमोशंस पैदा होंगे? क्या वो उसको देख करके एक्साइटेड हो जाएगा या उसको देख के डिप्रेस्ड हो जाएगा? डिप्रेशन में चला जाएगा बच्चा छोटा सा, ये क्या दिखा दिया, ऐसा होगा? वो देखता रहेगा बजर बट्टू की तरह, कुछ भी दिखा दो उसको, कोई भी फोटो दिखा दो, नहीं होगा ना। तो ये क्यों होता है हमारे अंदर? हमारे अंदर होगा या नहीं होगा? मतलब क्या होता है, पहले सेंसेशन हुई, उसके लिए हमने कुछ बोला, हाय हाय कितना गंदा है, हाय हाय कितना अच्छा है, ये नहीं होता अंदर, बड़ी तेजी से होता है, आपको पता भी नहीं लगता कितनी तेज होता है। उसकी वजह से एकदम से अंदर फीलिंग्स ट्रिगर होने लग जाती है। अगर अच्छा लगता है तो आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हो, बुरा लगता है तो उससे दूर जाते हो, और फिर अगर आप उससे दूर जाना चाहते हो लेकिन दूर जा नहीं पा रहे हो तो इमोशंस जनरेट होने लग जाते हैं, गुस्सा आने लग जाता है। उसके पास जाना चाहते हो और वो आपके पास आने लग जाता है या लग जाती है तो इमोशन जनरेट होने लग जाते हैं। इसको आप प्यार बोलते हो, है प्यार मोहब्बत, मैं प्रेम की दीवानी हूँ। समझ पा रहे हो, चारों में फर्क समझ आया? सेंसेशन, थॉट, फीलिंग्स एंड इमोशंस। इन चारों चीजों में सेंसेशन पैदा होती है और मरती है, यानी एक सेंसेशन के बाद दूसरी सेंसेशन आती है। अब ये आप शायद देख पाओगे, इसके लिए थोड़ा सा स्टिलनेस चाहिए, अंदर भी और बाहर भी, बॉडी भी स्टिल होनी चाहिए, माइंड भी स्टिल होना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूं, आपको आवाज आ रही है, अब मैं आपको दिख रहा हूं, आपको लग रहा है दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, एक साथ नहीं हो रहे हैं, एक साथ हो नहीं सकते। अभी मेरी आवाज की तरफ ध्यान दो, माइक्रो सेकंड्स में हो रहा है। जब लाइफ बिल्कुल स्लो मोशन में चली जाती है तब हमको नजर आ रहा होता है कि इस सेकंड के इस 1000वें हिस्से में क्या हुआ, ये आवाज आई, तो अभी मेरा ध्यान इस आवाज की तरफ था। अभी एकदम से जहां से आवाज आई वो दिखा तो अभी वहां था, अब मुझे क्या लगा ये दोनों साथ में हुआ है, साथ में नहीं होता है। आपने भी नोट किया होगा, कई बार एक क्लास में बैठे होते हो, सुनाई दे रहा होता है दिखाई नहीं दे रहा होता है, दिखाई दे रहा होता है कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है। कहने का मतलब क्या है, एक मोमेंट में एक ही चीज होती है, कुछ सेंसेशन हुई उसके बारे में बोला, फिर उसके एक दो सेकंड बाद फिर एक और सेंसेशन हुई उसके बारे में फिर कुछ और बोला, जो बोला उसकी वजह से फिर कोई फीलिंग ट्रिगर हुई, उसकी वजह से इमोशन जनरेट होने लग जाते हैं। तो चारों जो चीजें हैं, सेंसेशंस, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, ये आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, बिल्कुल आवाजों की तरह, जैसे एक आवाज है आई और गई, आवाज से पहले साइलेंस था, जिस वक्त आवाज थी उस वक्त साइलेंस था, आवाज के जाने के बाद में साइलेंस है। इफ यू आर ओके विद दिस साइलेंस, इफ यू आर कंफर्टेबल विद साइलेंस, तो अब आपको दुखी करने का दुनिया में कोई तरीका नहीं है। इफ यू आर ओके विद द एंड,
बिकॉज द एंड इज नॉट जस्ट द एंड बट ऑल्सो द बिगनिंग. इस सच को देख पा रहे हो? या ये कह लो अभी आपका जो घर है, देखना अगर कुछ देख पा रहे हो, कुछ बोला नहीं तो का टट्टू देखोगे. एक मिनट. हाँ यस सर, हर चीज में यस सर ही बोलना है. हाँ. अभी आपका जो घर है, ध्यान से समझना, घर कहाँ है आपका, कहाँ रहते हो? मैं एक्चुअल घर के एड्रेस की बात नहीं कर रहा, एड्रेस बताने लगे. आपका जो घर है, घर मतलब खुशी, अगर कोई खुश रहना चाहता है ना, डिफॉल्ट सेटिंग है, कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता है, तो आपका घर कहाँ है? अच्छी सेंसेशंस, अच्छे थॉट्स, अच्छी गुड फीलिंग्स, गुड इमोशंस, प्लेजेंट इमोशंस, यही आपका घर है. यहां पर रहना चाहते हो. ये घर क्या हमेशा के लिए बना रह सकता है? कितनी देर तक बना रहता है? मतलब कुछ मिनट्स के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, या कुछ सेकंड्स के लिए? कुछ सेकंड्स के लिए. तो आपका जो घर है वो हर सेकंड में बन रहा है और मिट रहा है. इसकी वजह से हम बौखला रहे हैं और बार बार नया घर ढूंढना पड़ रहा है. पूरी लाइफ यही आपकी स्ट्रगल है. सिर्फ आपकी नहीं, दुनिया में हर इंसान की यही स्ट्रगल है. और क्या स्ट्रगल है बताओ? आप में से कोई है जो अपने लिए बुरा दिन चाहता है कि कल का दिन बहुत बुरा हो, सब कुछ ही बुरा हो? कोई नहीं चाहेगा, लेकिन बुरा हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने घर गलत जगह पे बना लिया है. हमको ये नहीं पता है घर कहां बनाना चाहिए. जैसे समुद्र के किनारे आप बिल्कुल वहां पर घर बनाओ जहां पे हर एक सेकंड बाद एक लहर आ रही है और जा रही है, वहां घर बनाना चाहिए. यहां से थोड़ा दूर, थोड़ा दूर या बहुत दूर, ऐसी जगह जहां पर वो लहरें छू भी ना सके. आपके पास में दो ऑप्शन है. एक है आपका घर हो साउंड. ये साउंड जिसको मैं कह रहा हूं उसको आप थॉट्स बोल सकते हो, फीलिंग्स, इमोशंस, सेंसेशंस. तो फंस गए? कोई भी साउंड हमेशा के लिए रहेगी? अगर आपका घर बन जाए साइलेंस, ये आपका घर हो, इस घर को मिटाने का क्या तरीका है? साउंड्स को मिटाया जा सकता है. जिस सोर्स से वो साउंड आ रही है उस सोर्स को मिटा दो. कहां है साउंड? जिस इंसान की आवाज आपको अच्छी लगती थी उस इंसान को आपसे दूर कर दो. कहां है उसकी आवाज? यादें हैं आवाज की. याद आवाज थोड़ी होती है. याद अलग चीज है, आवाज अलग चीज है. तो अगर आपका घर बन जाए साइलेंस, उस घर में अब कौन आ सकता है? उसको डिस्टर्ब करने का कोई तरीका ही नहीं है. साइलेंस को डिस्टर्ब करके दिखाओ, कर सकता. कोई भी साउंड हो, कितनी भी बड़ी हो, साइलेंस को डिस्टर्ब कर सकती है. साइलेंस विच इज नॉट अगेंस्ट साउंड, which is accommodative of all sounds. This is called absolute peace of mind. Silence में आपका घर. अब इस silence में क्या आ गया? सब कुछ आ गया. Silence की किससे लड़ाई होगी? दो sounds हमेशा आपस में लड़ रही होंगी, एक दूसरे पे attack चल रहा होगा. Silence की किसी से लड़ाई नहीं है. आसपास में बहुत सारे लोग हैं, कोई भी नहीं है, क्या फर्क पड़ता है?